हेलो। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट, बीएससी एजी सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर। आज आपके कोर्स मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो आज आपके टॉपिक है, लेक्चर टॉपिक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो मेन इसका रोल होता है मेट्रोलॉजी के अंतर्गत, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही ज्यादा डिपेंड है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र हो, चाहे वो इकोलॉजी हो, जब हम एटमॉस्फेयर में रह करके क्रॉप के कल्टीवेशन, फसल के उत्पादन से संबंधित जितनी भी हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को देखते हैं, वहाँ पे करते हैं, जिसमें टेम्परेचर का वहाँ पे मेन रोल होता है। जैसे अगर आप किसी भी क्रॉप की वहाँ पे सोइंग करने जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि जब आप क्रॉप क्लासिफिकेशन वहां पे आप स्टडी करते हैं कि ये रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, जायद की क्रॉप है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहां पे उसके सीड का जो जर्मिनेशन होता है, इतने टेम्परेचर में, यानी जैसे आप देखते हैं कि वीट गेहूं के लिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और वही आप डिफरेंट और भी क्रॉप है, मेज है और लेंटिल है, खरीफ क्रॉप में राइस और मूंग बीन, ब्लैक ग्राम, तो डिफरेंट जितनी क्रॉप है उसकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितने वहाँ टेम्परेचर को जर्मिनेशन हो सकता है। अगर उससे कम टेम्परेचर हुआ तो जर्मिनेशन सीड का नहीं होगा, मैक्सिमम होगा तो भी वहाँ अफेक्ट करेगा कि टेम्परेचर वहां पे जर्मिनेशन कम होगा। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जैसे हम अगर सॉइल की कंडीशन में देखें, तो जो वहां पे बैक्टीरियल, जो वहां पे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कितने टेम्परेचर में वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे, वो अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे, और उसके साथ साथ जब हम वहां पे ग्रोथ पीरियड में कितना टेम्परेचर होना चाहिए क्रॉप के ग्रोथ पीरियड, टिलिंग स्टेज और वहां पे सीआरआई स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन यानी रूट डेवलपिंग स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज, क्रॉप की मैच्योरिटी स्टेज में वहां पे टेम्परेचर का मेन रोल होता है। जो कि हम वहां पे टेम्परेचर का जब स्टडी करते हैं कि उतने टेम्परेचर में वहां पे क्रॉप हमारी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकती है। तो जैसा अभी आपको बताया कि विंटर सीजन में अगर वहां पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है या 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो क्रॉप के जर्मिनेशन अफेक्ट होते हैं। वहां आप जो देखते हैं कि उस तरीके से वहां पे जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो जितनी भी हम एटमॉस्फेयर में प्लांट से रिलेटेड हो या ह्यूमन बीइंग या एनिमल, सब पे, चाहे वो आपका क्रॉप में इंसेक्टिसाइड या सॉरी इंसेक्ट को हम अगर कंट्रोल करना हो, तो जो आप उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं इंसेक्ट के, कि जो उसमें 4 स्टेज पाई जाती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, तो किस कितने टेम्परेचर पे वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकती है, और कितने टेम्परेचर पे वहां किल मर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसी तरीके से डिजीज मैनेजमेंट, वीट मैनेजमेंट, जो इनके लिए आप नियर अबाउट
ईयर, साल में आपका सबसे ज्यादा टेम्परेचर मई एंड जून, मई और जून में होता है, तो उस समय हम समर प्लॉविंग करते हैं, जैसे वीट मैनेजमेंट, जो जितने नॉक्सियस वीट होते हैं, प्रॉब्लेटिक वीट होते हैं, उस कंडीशन में खरपतवार वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हम समर प्लॉविंग वहां पे करते हैं। उसी तरीके से जो फील्ड के लोअर सरफेस में इंसेक्ट के स्टेज, जो प्यूपल स्टेज में, लार्वा प्यूपल स्टेज में जा करके जमीन के नियर अबाउट 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में वहां रेस्टिंग पीरियड में होता है, तो उसको जब हम समर प्लॉविंग करते हैं तो उस समय अपर सरफेस पे आ जाता है और वो ज्यादा जब टेम्परेचर होगा तो उस पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाती है। इस तरीके से जो वहां पे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स के अंतर्गत हम वहां पे एक तरह से डिजीज मैनेजमेंट, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एंड वीट मैनेजमेंट के प्रोसेस भी करते हैं। तो ये आपके था कि क्रॉप के अकॉर्डिंग हम वहां पे जो टेम्परेचर का मेन वहां इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम सही समय पे वहां पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि क्रॉप का उत्पादन प्रोडक्शन अच्छा प्राप्त हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम टेम्परेचर की जो स्टडी करते हैं कि लाइक जब वहां पे सॉयल स्टेबलाइजेशन करना हो तो उसके लिए भी आपका सोलर रेडिएशन, यानी जो सन रेज है, तो उसके माध्यम से भी हम वहां पे सॉयल स्टेबलाइजेशन करते हैं। और जो हॉट ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर जब अधिक हो तो उसका भी वहां पे मेन रोल होता है। तो इसमें आपका एयर टेम्परेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जो टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अभी आपको मैं बताया, तो कुछ उसमें आप नोट भी कर लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस और ए थिंग्स एंड इट प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के रूप में भी वहां आप जो देखते हैं कि जैसे अभी हमने बताया कि सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें जो कुछ सब्सटेंस मटेरियल है जो वहां पे सॉइल में उसको, यानी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वहां पे हो, तो बल्कि मैन्यो लाइक एज कंपोस्ट मैन्यो, एफआईएम मैन्यो, फील्ड में जब हम उसको डालते हैं तो उसका जो कलर आप जो देखते हैं कि आपका ब्लैक एंड ब्राउन कलर होता है, जो कि रेज को एब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी होती है। तो जो सॉइल में मिक्स करते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। किसके टेम्परेचर जो हम स्टडी करते हैं, टेम्परेचर एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टॉपिक है, जिसको कि हम वहां पे उसके लिए स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट आप इतना एयर टेम्परेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द वेदरिंग ऑफ सॉइल्स, प्रमोटिंग बैक्टीरियल एक्टिविटीज, स्टरलाइजेशन ऑफ सॉइल्स, किलिंग्स ऑफ वीड्स खरपतवार, पेस्ट एंड डिजीज फॉर ड्राई ग्रेन्स एंड मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स, एवरी लिविंग
organism, plant or animals or insects require optimum temperature for carrying out the basis biochemical activities for survival. Excessive temperature is harmful for germination, growth, flowering and maturity of fruits. It increases the transpiration from pond and evaporation from the soil frequent irrigation. It is the most important phenomenon of solar energy in climatology, and world temperature denotes said temperature to avoid the influence of direct rays of sun. जो चीजें अभी आपको बताया कि एयर टेम्परेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, उसमें हम देखते हैं कि जैसे ड्राई रीजन में आप कल्टीवेशन वहां पे कर रहे हैं तो प्लांट से ट्रांसपिरेशन वाटर का अधिक होगा, उसके पार्ट्स लीफ स्टेम जो पत्तियों के द्वारा और तनों के द्वारा, तो उस रेट को वहां पे जो ट्रांसपिरेशन रेट एंड वहां पे जो आपका वाटर अर्थ सरफेस पे है उसका इवेपोरेशन, तो ये आपका एयर टेम्परेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस के अंतर्गत जो और भी क्रॉप के ग्रोथ पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, कितने टेम्परेचर पे वहां पे मैच्योरिटी फेज पे क्रॉप है उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए उसके सीड में, सॉरी ग्रेन में, उसके पॉट्स फलियों में, तो वहां पे हम तभी उसको हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को, तो ये आपका उसमें मेजर इफेक्ट डालते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंस होता है टेम्परेचर का. एंड नेक्स्ट, इट इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को जो मेजरमेंट किया जाता है डे टेम्परेचर एट एनी गिवन टाइम इज मीन द टेम्परेचर ऑफ द एयर मेजर्ड अंडर वहां पे थर्मोमीटर एंड थर्मोग्राफ, थर्मोमीटर एंड थर्मोग्राफ के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है. एंड नेक्स्ट आपका मीन डेली टेम्परेचर, जो डेली टेम्परेचर को हम वहां पे ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे उसको मेजरमेंट करते हैं, उसके अंतर्गत मीन डेली टेम्परेचर में इट इज द मीन ऑफ 24 रिकॉर्डिंग रीडिंग टेकन एट हावरली इंटरवल, जो पर घंटे यानी 24 घंटे में आप देखते हैं कि 24 वहां पे और टेम्परेचर की वहां पे मेजरमेंट रिकॉर्डिंग की जाती है. एज द सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, जो सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में लाइक थर्मोग्राफ, थर्मोग्राफ के द्वारा वहां पे मेजरमेंट किया जाता है, जो 24 आवर्स यानी पर आवर में पर घंटे पे वहां पे सेल्फ रिकॉर्डिंग टेम्परेचर की वहां की जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेती है थर्मोग्राफ. बट इन अदर टेम्परेचर दिस आर यूजली टेकन इन द मॉर्निंग 8 AM, यानी जो हम दिन में जहां पे सनशाइन जो सन रेज है उसके जो मेजरमेंट मिनिमम मैक्सिमम जो टेम्परेचर को वहां पे हम मेजरमेंट करते हैं, तो मॉर्निंग 8 AM
एंड जो हाई टेम्परेचर जो यानी कह सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर का जो करते हैं, ये जो हमने बताया मॉर्निंग 8 AM मिनिमम टेम्परेचर एंड आफ्टरनून 2 PM मैक्सिमम टेम्परेचर एंड आपका इवनिंग 6 PM। तो थ्री टाइम डे में वहां पे मेजरमेंट किया जाता है टेम्परेचर का। नेक्स्ट मीन मंथली टेम्परेचर, जो मंथली टेम्परेचर जो अकॉर्डिंग वहां पे एवरेज टेम्परेचर के रूप में हम जो देखते हैं कि जो रिकॉर्ड रखा जाता है कि अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, जनवरी के महीने में कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो ये जो हम मेजरमेंट करते हैं मीन मंथली टेम्परेचर के अंतर्गत वहां पे आता है, जिसको इसमें नोट कर लेना, इट इज द एवरेज ऑफ द टोटल डेली मीन टेम्परेचर फॉर द मंथ डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ। यानी जितने जो आपके महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 दिन का जो टेम्परेचर है वहां पे जो रिकॉर्ड किया गया है उसको हम फॉर द मंथ डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, जो 30 से डिवाइड करने के बाद एक एवरेज वहां पे जो टेम्परेचर एक मंथली वहां पे जो रिकॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट मीन एनुअल टेम्परेचर, जो एनुअल टेम्परेचर को जो वहां मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें इट इज द एवरेज ऑफ द 12 मंथ टेम्परेचर फॉर द टोटल ऑफ मंथली मीन्स डिवाइडेड बाई 12। उसको 12 से डिवाइड करके हम देखते हैं कि एनुअल टेम्परेचर को वहां पे मेजरमेंट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट मीन एनुअल रेंज, जो एनुअल रेंज वहां पे होती है द डिफरेंस बिटवीन द वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ इज द मीन एनुअल रेंज, ओनली मीन टेम्परेचर इज यूजली इन डिस्क्राइबिंग क्लाइमेट द स्केल लेवल द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर 1 ATM ऑफ प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम वाटर को बॉइल करते हैं तो उस समय टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है होना चाहिए, अच्छे तरीके से वहां पर उसको जो बॉयल करते हैं वाटर को कितना टेम्परेचर उसमें होता है, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 0 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर फ्रीजिंग पॉइंट्स पे आते हैं उस समय टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा अगर जब होता है तो वहां पर जो देखते हैं कि बर्फ के रूप में जो कन्वर्ट हो जाते हैं तो माइनस में चले जाते हैं। एंड द फारेनहाइट स्केल लेवल्स द सम टेम्परेचर एज 212 डिग्री फारेनहाइट एंड 32 डिग्री फारेनहाइट रिस्पेक्टिवली। द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन द टू स्केल इज देन, जो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल के 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई आपको जीरो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई फारेड आपका डिग्री फारेनहाइट में जो टेम्परेचर -32। तो जो आप यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस यानी वहां पे एक तरह से अगर हम वाटर को जो बॉइलिंग करते हैं तो वहां टेम्परेचर देयर व्हाट आपका होगा 100 डिग्री सेल्सियस एंड वहां पे 212 -32 तो आपका हो जाएगा 100 अपॉन, इसमें सब इसको माइनस करेंगे 212 -32 डिग्री फारेनहाइट तो आपका आ जाएगा 180। एंड नेक्स्ट
सेंसिबल टेम्परेचर, जो भी सेंसिबल टेम्परेचर में हम जो बॉडी का टेम्परेचर उसको कैलकुलेट करते हैं कि जो आपके बॉडी का टेम्परेचर एनिमल या जितनी भी उस तरीके से जहां पे हम उसको टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका आता है सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, जो सीजन के अकॉर्डिंग वहां पे टेम्परेचर को वेरिएबल होता है, जो आप उसको टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सीजनल वेरिएशन। फर्स्ट द एंगल ऑफ सोलर रेज विच डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। नंबर थर्ड मोमेंट ऑफ सीजनल वेव्स विच कंट्रीब्यूट्स टू रेन एंड प्रेसिपिटेशन। एंड नेक्स्ट डायोर्नल वेरिएशंस, इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन द डे इज कॉल्ड डायोर्नल रेंज। एंड लास्ट आपका है एनुअल वेरिएशन, जो कि एनुअल वेरिएशन में द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इन ए ईयर इज एनुअल वेरिएशन, द टेम्परेचर इज मोर इन मे एंड जून, जो मई और जून के महीने में टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होते हैं। यानी यहाँ पे आपका एनुअल वेरिएशन जो हम साल में 12 मंथ 12 महीने होते हैं, जिसमें कि हम वेरिएशन करते हैं किस महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो स्वाभाविक है कि जो आपके रेनी सीजन एंड आपके वहां पे विंटर सीजन एंड समर सीजन, तो समर सीजन में सबसे ज्यादा वहां पे टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, जिसमें समर में भी 2 मंथ यानी 2 महीने ऐसे होते हैं जो मई एंड जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। नियर अबाउट आप देखते हैं कि ऐसे महीने में 45 टू एवर नियर अबाउट 50 तक भी वहां पे डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से जो एनुअल वेरिएशन में मई और जून के महीने में वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखा जाता है। एंड कोल्डेस्ट टेम्परेचर सबसे कम, यानी जो फ्रीजिंग के अंतर्गत वहां पे सबसे कम टेम्परेचर के रूप में जो रिकॉर्ड किया जाता है एनुअल वेरिएशन में, वो होता है आपका नवंबर एंड दिसंबर मंथ। नवंबर और दिसंबर के महीने में वहां पे जो कोल्डेस्ट वेरिएशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहां पे देखा जाता है। तो आज जो आपके टॉपिक थी एटमोस्फियर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, जिसमें जितने आपके पॉइंट्स थे उसमें आज हमने डिस्कस किया, तो उसके बारे में आपको हम आशा करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई इससे आपको पॉइंट नहीं समझ में आया, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इवनिंग 5 to 7 PM पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।